हम 2001 से मुखिया हैं, 2001 से हम अभी तक है वर्तमान में है, लेकिन उस समय के इसके अधिकार जो कर्तव्य को जो कि छेड़छाड़ हुआ है हमारे समझ से कि अच्छी बात नहीं है। सरकार ने सत्ता को विकेंद्रीकरण किया है, चूँकि वार्ड को अधिकार दिया है वो स्वागत है और थोड़ा सा भार मुखिया के घटा है हम उससे खुश हैं, लेकिन जहाँ के अधिकार छीनने और ठीक है वार्ड को दे दे उसकी देख रेख। एग्जाम्पल बहुत बताते हैं, उस समय सत्ता में थे तो वो PhD विभाग जैसे है कि गांव में चापाकल का मरम्मती के समान पंचायत में उपलब्ध हुआ करता था। अभी समय में है कि चापाकल खराब हुआ तो उसको देखने वाला कोई नहीं है, PhD विभाग को फोन करते रहिए, उसको दूरभाष पर संपर्क करते मुखिया जी ठीक है जा रहे हैं, और वैसे भी आनाकानी करके टाल देते हैं। उस व्यवस्था में था कि उसमें एब्सेंटी कर्मचारी रहते थे, मरम्मत करने के लिए उसका कर्मचारी पंचायत से हस्ताक्षर उसका होता था, उसका हाजिरी बनती थी, उपस्थिति भी बनी जाता तब उसका वेतन भुगतान होता। अब वो फ्री हो गया, अब फ्री महसूस कर रहा है, उन्हें अंकुश पंचायत पर इसके कर्मचारी को कोई अंकुशे नहीं है, बेलगाम है, काम ओने पोने में हो रहा है, होता ही नहीं है, उसमें जो संतुष्ट था। अभी जो पक्कीकरण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सत्ता जो केंद्रीकरण किया है उसमें काम हुआ है, लेकिन सर जो जिस स्तर से होना चाहिए जैसे कि PhD विभाग भी है वो अब यहाँ जो अभी धरातल पर जो है ये भूभाग जो है कि उस हिसाब से होना कि उतना जितना कि पेयजल जितना निश्चय योजना के अंतर्गत दिया है उससे अच्छा चापाकल देता फार बेटर होता कि कहीं सक्सेस है कहीं अनसक्सेस, पानी है तो चलो ठीक नहीं है, मैंने ये परंपरा अभी तक रहा प्राय प्रखंड में देखते हैं हम यहाँ जो समस्या है अवगत है, हमारे यहाँ भी है अभी चल रहा है, प्रखंड में एक दो जगह है कि चल रहा है कभी बंद, PhD वाला तो खैर बंद है, PhD का करीब करीब बंद है सर अभी हमारे यहाँ। जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि नाराज हैं तो क्या आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में इसका असर पड़ेगा क्या? सर जहाँ तक सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है इसमें लोग भाई काम बढ़ा है इसमें जो मतलब है, जहाँ तक कि मैंने अधिकारों का मनमाला हम एग्जाम्पल बताते हैं, अब है उस समय था कि 2001 में से लेकर के 6 तक ग्राम पंचायत निर्भर करते थे अमुक आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे हम, लेकिन अब वो बाहर हैं, जिस आदमी को मिलना चाहिए वह निर्धारण आम सभा से नहीं होता है, वह उसका हनन है, वो अपने मन से पदाधिकारी करता कि ना आपने जियो टेक कर दिए वहाँ का अब सलेक्शन कर दिए अब वहाँ से हम सलेक्शन अब बरीजा क्रम हम वहाँ बनाएंगे, उस समय हम लोग करते थे बरीजा क्रम कौन है अपग्रेडेशन में अब निर्माण में देंगे तो ग्राम पंचायत तय करती थी आम सभा तय करती थी ध्वनि मत से, उसमें कहीं भी बात नहीं था, और आज तो बिचौलिया पनपला है, प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी सब बिचौलिया है, आवास सहायक जो है उसके पर्यवेक्षक जो हैं कल लूट खसोट मचाए हुए हैं, सरकार को लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आधा पैसा आपके लाभुक को यदि रहा तो लाभुक को बता देंगे वो 10,000 से 15,000 का कबूल करते, पूरे ब्लॉक की है पूरा जिला के हम चर्चा करते, प्रत्येक पंचायत का हमको विवरण है, हम जिला का अध्यक्ष होने के नाते हमको प्रत्येक प्रखंड और पंचायत का आपको कहा है कल लूट खसोट मचा हुआ है, सरकार इस पर नजर रख दे, आम सभा को फिर अधिकार दे दे, आम सभा जो तय करेगी, हमको नहीं लगता कि जो गरीब नीचे तबके जो लोग हैं वो वंचित रहे, अभी भी आप देखेंगे कि जो नीचे एक रहा है आवास उसी में वहाँ राशन कार्ड का जो जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जो अभी भी अभावी है जो कि तारीख। भारत आपकी आवाज हमारी ताकत, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।